नमस्कार, दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले सिनॉप्टिक सिस्टम देखते हैं। ये देखिए, बादलों के समूह के रूप में आप देख सकते हैं इनसेट 3DR सैटेलाइट की इमेजरी में एक पश्चिमी विक्षोभ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के पास, उत्तरी राजस्थान के पास यहाँ पे स्थित है, और ठीक इससे एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। और अगर वो देखेंगे, वो ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश से होते हुए, ये देखिए, झारखंड और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक यहाँ पे पहुंची हुई है। अगर हम देखें यहाँ पे, आप देखिए धीरे धीरे उत्तर पूर्व राज्यों में बादल धीरे धीरे छटते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक झारखंड के पास भी यहाँ पे स्थित है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से हम बताएं, ये देखिए, ये जो ऑफशोर ट्रफ है, ये ऑफशोर ट्रफ के कारण आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बादल यहाँ पे एक समूह एक पश्चिमी तटों के पास अभी जमा हुए हैं, और आप देखेंगे यहाँ भारी बारिश पिछले एक दो दिनों से हम देखने को मिल रहा है पश्चिमी तटों में। तो मुख्य रूप से अगर हम बताएं, अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तटों पर यह तीव्र वर्षा ही अब जारी रहने की संभावना है आने वाले 5 दिनों के दौरान, और 23 से 25 जून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में वर्षा की गतिविधि में अब कमी आने की संभावना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई बादलों का किसी भी तरह का यहाँ पे उपस्थिति देखने को नहीं मिल रही है। 23 तारीख से लेकर 25 जून के बीच अब वर्षा की स्थिति में मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में कमी आने जा रही है। अगर हम मानसून की स्थिति देखें, ये देखिए मानसून की स्थिति 22 जून को ये यहाँ से गुजर रही है। अगर हम बात करें 22 डिग्री और 60 डिग्री से आरंभ होते हुए, ये देखिए पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा ये वाले भाग, और चुर्क से होते हुए ये अभी भी 27 डिग्री और 84 डिग्री के पास यहाँ पे अभी मौजूद है। मतलब एक जो छोर है उसका वो 27.0 84.0 डिग्री ईस्ट पे यहाँ पे अभी स्थित है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान, जैसा कि हमने बताया था, बहुत भारी वर्षा जम्मू कश्मीर, कोस्टल कर्नाटक, कोंकण, गोवा में हुआ है। भारी वर्षा की बात करें बाकी जगहों की, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखने को मिला, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, मराठवाड़ा और उड़ीसा में भी हुआ। मराठवाड़ा की अगर हम बात करें, ये देखिए मानथा में 9 सेंटीमीटर हुआ, कोंकण, गोवा, नागालैंड, तमिलनाडु, और अगर उड़ीसा की बात करें बालासोर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। तो अच्छी मात्रा में अगर आप देखा जाए संख्यात्मक रूप से हमारी वेधशाला में भारी वर्षा दर्ज की गई है इन जगहों पर। हम बात कर लेंगे अब ऑफशोर ट्रफ की, जो एक तरह से तीव्र हवाएं, जिसको कह सकते हैं बहुत तीव्र हवाएं, जो पश्चिमी हवाएं जो मुख्य रूप से वेस्ट कोस्ट को, जो पश्चिमी तटों को प्रभावित कर रही है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, और जिसको आकाशीय बिजली कहते हैं, ये आने वाले 5 दिनों के दौरान ये होने की संभावना है। मुख्य रूप से कोंकण, गोवा और दक्षिण प्रायद्वीप के ज़्यादातर भाग। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, केरला, माहे में आने वाले 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है, और घाट एरिया में मध्य महाराष्ट्र में 24 से 26, और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में 24-25 तारीख को देखने को मिल सकता है। गुजरात भागों की अगर हम बात करें 22-25 और 26 के दौरान, और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 22 तारीख को भारी बारिश होने की संभावना है। अगर हम बात करेंगे अत्यंत भारी वर्षा कोंकण, गोवा में आने वाले 5 दिनों के दौरान जारी रहेगा। कर्नाटका में ये स्थिति 22 से 24 जून के बीच रहेगी। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व राज्यों में जैसा कि हमने बताया, अभी भी ये आने वाले 5 दिनों के दौरान व्हाइट स्पॉट रेनफॉल एक्टिविटी सभी हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में देखने को मिल सकता है। भारी वर्षा सभी हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है। और अगर हम थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बात करें, यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गैंगटिक वेस्ट बंगाल में 5 दिनों के दौरान रह सकता है। इसके लिए सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, यह मुख्य रूप से गैंगटिक वेस्ट बंगाल में आज, विदर्भ में 23-24, बिहार में 23 से 26, झारखंड में 24-25, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 22 से 26 जून के दौरान देखने को मिल सकती है। यह 5 दिनों के पूर्वानुमान। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।